जैसे मेरा कॉलेज का थर्ड ईयर एंड हुआ था, तो उसके 3 दिन बाद ही अमेजोन हैदराबाद जाना था मुझे। सो थोड़ा सा वियर्ड इसलिए क्योंकि मैं पहली बार ही घर से बाहर जाना था ऑनेस्टली। तो डर लगता है यार, कैसे होगा मैनेज, है ना, खाने पीने का मैनेज, कपड़े धोने का मैनेज, बहुत सारी टेंशन होती है। अभी तुम क्या है, तुम हैश मैप यूज करके जाते हो, बट वहाँ क्या यूज हो रहा है, अनसिंक्रोनाइज्ड हैश मैप, सिंक्रोनाइज्ड हैश मैप, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और बच्चों वाले कोड नहीं लिख सकते। तो यार वो मैनेजर ने मेरे साथ 1-to-1 करी और उसने बोला, देख यार ओवरऑल तू काम तो सही कर रहा है, कर लेता है टाइम पे, बट तेरे ऊप्स कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं है, कोड रिव्यू में ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तेरे को काफी इंप्रूव करना होगा उसमें। और मुझे डर लग गया था। ऑफिस में रुके हुए हैं रात को, तो हम बेसिकली टेबल टेनिस खेलते थे, मेरे मतलब 2-3 दोस्त भी थे जो कॉलेज के रुकते थे, तो हम लोग टेबल टेनिस खेलते। तो ये बहुत अमेजिंग चीज होती है कि हाय माय सेल्फ आरेख हियर। सो यार इस वीडियो को मैं बहुत टाइम से पहले बनाना चाहता था, बट इसको मैं आज बना रहा हूँ। सो बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट माय इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एट अमेज़न। सो मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप करी थी अमेज़न में, एंड तुम्हारे को पूरा बताने वाला हूँ कि हाउ वॉज माई लाइफ एट अमेज़न, कि मैंने कितना काम करा था, मैंने क्या गलतियाँ करी थी, क्या चीज़ें मैंने अच्छे से करी थी, सो दैट यू गेट टू लर्न कि यार इंटर्नशिप कैसे फ्रूटफुल निकालनी चाहिए और कौन सी चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए एंड कौन सी चीज़ें अच्छे से करनी चाहिए, है ना। एंड ओवरऑल बेसिकली अमेज़न में क्या कल्चर होता है, कैसे काम होता है, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं ड्यूरिंग द वर्क, वो तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो एंड तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इंटर्नशिप अच्छे से करनी है। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग में जैसे मेरा कॉलेज का थर्ड ईयर एंड हुआ था, तो उसके 3 दिन बाद ही अमेज़न हैदराबाद जाना था मुझे। सो थोड़ा सा वियर्ड इसलिए क्योंकि मैं पहली बार ही घर से बाहर जाना था ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में है और मैं डे स्कॉलर भी था, तो सब कुछ घर से ऑलमोस्ट मैनेज होता है ना। बट दिस टाइम पहली बार घर से बाहर जा रहे हो तो डर लगता है यार, कैसे होगा मैनेज, है ना, खाने पीने का मैनेज, कपड़े धोने का मैनेज, बहुत सारी टेंशन होती है, ठीक है। सो वो एक वियर्ड फीलिंग थी। और चेरी ऑन द केक इज कि मैं फ्लाइट में भी पहली बार जा रहा था, है ना। तो बेसिकली जब तुम फ्लाइट में पहली बार जाते हो तो एक रोलर कोस्टर राइड सी लगती है, ठीक है। सो जैसे तैसे हैदराबाद पहुंच गए थे, है ना, और अमेजिंग फीलिंग ये थी कि तुम्हें वहां पर पिकअप करने आता है, अमेजोन वालों ने एक लाइक ड्राइवर रख रखा होता जो तुम्हें पिकअप करेगा। और फर्स्ट 15 डेज इतने चिल थे ना अमेजोन में, क्योंकि यू फील लाइक अ किंग। क्यों? क्योंकि अमेजोन शुरू के 15 दिन में इंटर्नशिप में क्या देता है, तुम्हें 15 दिन के लिए स्टे देता है, और इतने बढ़िया होटल में स्टे दिया था उन्होंने कि जो तुम्हारा रूम है उसके अंदर इफेक्टिवली 2 रूम्स हैं बड़े बड़े, और बेसिकली यू फील लाइक अ किंग कि मैं एक दिन एक रूम में सोता था, एक दिन दूसरे रूम में सोता था। सो वो अमेजिंग फीलिंग थी, ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ वहीं मिलेगा, सो कोई टेंशन नहीं थी। तो फर्स्ट 15 डेज वो तुम्हें बहुत सही तरीके से दिखाता है, ऑफिस जाने के लिए भी कैब देता है, ऑफिस से पिकअप करने के लिए भी कैब देता है। तो फर्स्ट 15 डेज तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं होता एंड यू एंजॉय अलॉट, एंड मैंने भी वही करा था। सो जब तुम नए शहर में जाते हो तो वहाँ पर कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, हैदराबाद में जाते हो तो बिरयानी वगैरह खाते हो, है ना। सो बेसिकली नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। सो फर्स्ट वीकेंड तो यार इसी में गया था थोड़ा घूमने फिरने में। सेकेंड वीकेंड पे बेसिकली वी नीड टू फिगर आउट अवर नेक्स्ट प्लेस, कि बाकी 45 दिन भी तो रहना है ना, और अमेज़न स्टाइपेंड 30,000 रुपये महीना देता था, तो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन करते थे कि यार सस्ती और बढ़िया जगह मिल जाए वहाँ रहना है। तो सेकेंड वीकेंड पे तो हमने उस जगह को ढूंढ लिया था जहाँ पर बेसिकली हम हमारे कॉलेज से ही 7-8 इंटर्न्स गए थे, तो हम लोग एक ही जगह रह रहे थे, ठीक है। ये तो हो गई एक्सटर्नल वाइज। एक काम वाइज शुरू के 15 दिन क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम्हारा एक मेंटर और एक मैनेजर होता है। मेंटर का काम होता है जो तुम्हारा टेक वर्क देखेगा, है ना, जो भी तुम कोड कर रहे हो उसका थोड़ा वो ध्यान रखेगा, और मैनेजर ओवरऑल तुम्हारा ध्यान रखेगा कि काम वाइज भी सही हो, ओवरऑल कम्युनिकेशन वाइज भी सही हो, और ओवरऑल चीजें ठीक चल रही। तुम्हारा मेंटर और मैनेजर असाइन होते हैं। सो फर्स्ट 15 डेज में क्या होता है, मेंटर तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि हमारी टीम क्या कर रही है, और तुम्हें ढंग से समझना होता है कि जो तुम्हारी टीम है वो करती क्या है। सो आई वॉज इन द लाइक बिल्स टीम, कि यार जो ब्लू डार्ट से बिल्स आती हैं उनकी जो पेमेंट प्रोसेसिंग करनी होती है उसके अराउंड हमारी टीम का काम था। तो मैंने 15 डेज में वो अच्छे से समझा था, उन्होंने बोला था ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करने होंगे, उसको थोड़ा बहुत साइड बाय साइड पढ़ते रहो, पूरा एक डेस्कटॉप सेटअप करना होता है उसमें काफी टाइम जाता है, और टीम का कोड पढ़ने में टाइम जाता है। सो उन्होंने 2-3 छोटे छोटे टास्क दे दिए थे, 1-2 लाइन ऑफ कोड वाले, सो दैट मेरे को कोड भी समझ में आ जाए और थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट 15 डेज तो कुछ खास नहीं थे, काफी चिल हुआ था। अब नेक्स्ट, तो बेसिकली मुझे उसके बाद 3 प्रोजेक्ट असाइन हुए थे जो मुझे 15 डेज में करने थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है काम वाइज की जब तुम्हें फर्स्ट प्रोजेक्ट असाइन हुआ तो वहां पर कैसे चलता है कि तुम ऐसा नहीं एक साथ पूरा 15 दिन का कोड लिखोगे, राइट, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कोड करते रहोगे। सो द कॉन्सेप्ट्स आई वाज यूजिंग मोस्ट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, है ना, मतलब उसमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज हो रहा था,
तो वैसी वाली चीजें यूज हो रही थी काम वाइज। तो एंड ओवरऑल मुझे याद है कोड रिव्यू होता है एक चीज है ना, तो बेसिकली क्या होता है जब तुम कोड करते हो तो उसको रिव्यू करती है तुम्हारी टीम, तो बहुत एक्सट्रीम कमेंट्स आते हैं बिकॉज अभी तुम क्या है तुम हैश मैप यूज करके जाते हो बट वहां क्या यूज हो रहा है अनसिंक्रोनाइज हैश मैप, सिंक्रोनाइज हैश मैप, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और बच्चों वाले कोड नहीं लिख सकते फॉर आई इक्वल टू जीरो वाले नहीं, तो बेसिकली ढंग से वेरिएबल नेम लेके वो जो फॉर लूप होता है जिसमें इटरेटर वगैरह चलते हैं वैसे वाले कोड लिखने होते हैं, एक प्रोफेशनल कोड लिखना होता है। तो बेसिकली हम मैंने शो में गए तो थोड़े बहुत वही DSNL को जैसे करते हैं वैसे वाला कोड कर दिया, बहुत सारे कमेंट्स आ गए है ना। तो शुरू के 15 दिन वाला प्रोजेक्ट तो इजी था बट कोड रिव्यूज में बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखो, तो यू लर्न अ लॉट कि यार एक अच्छा कोड कैसे लिखते हैं, वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम एक कंपनी में जाओगे जहां वैसा वाला कोड फॉलो हो रहा है। सो वो बेसिकली एक 15 दिन की मेरी बहुत सी लर्निंग थी कि एक अच्छा कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी इन 15 दिनों में थोड़ा चल तो था ही, वीकेंड पे हम लोग मूवीज देख लेते थे या क्लब्स एक्सप्लोर कर लेते थे, वैसे वाला थोड़ा सा चल रहा था, मतलब काम भी सही चल रहा था और पार्टीज वगैरह भी चल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली एक महीना अब निकल गया था, अब आएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जहां मैं फंसा था, जहां मैंने गलतियां करी थी। तो बेसिकली जब तुम्हें एक महीना हो जाता है तो मैनेजर के साथ तुम्हारी एक 1-to-1 होती है कि ओवरऑल कैसा चल रहा है। सो बेसिकली कोड रिव्यूज हो गए थे, कमेंट्स वगैरह आ गए थे, तो मेंटर ने फीडबैक दिया था मैनेजर को, तो यार वो मैनेजर ने मेरे साथ 1-to-1 करी और उसने बोला देख यार ओवरऑल तू काम तो सही कर रहा है, कर लेता है टाइम पे, बट तेरे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं है, कोड रिव्यू में ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तेरे को काफी इंप्रूव करना होगा उसमें। और मुझे डर लग गया था कि यार, और उन्होंने बोला था बिकॉज दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बिकॉज दे सेड कि यार इंटर्न भी हमारे लिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होता है, फ्यूचर में उसे पीपीओ देना है बट ये पैरामीटर्स हमें अच्छे से करने पड़ेंगे। तो यार एक ही महीना बचा था और 2 projects बचे थे और बेसिकली थोड़ा कोड में था इश्यूज होने की यार थोड़ा अच्छे से कोड लिखो, कम कमेंट्स आने चाहिए। तो बेसिकली नेक्स्ट एक महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी मैंने, तो ऑनेस्टली आई रिमेम्बर कि नेक्स्ट एक महीना मतलब वीकेंड्स पे भी मैं ऑफिस जाके काम करता था बिकॉज प्रोजेक्ट्स के काम निपटाने थे एंड पीपीओ निकालना था, आई वॉज एम इज कि पीपीओ तो निकालना है। और मैं बता रहा हूँ पीपीओ केवल काम के बेसिस पे निकलेगा और किसी बेसिस पे नहीं निकलेगा। Like you have been assigned projects, उसको अच्छे से कर दोगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट कम्प्लीशन, इट्स अबाउट कि अच्छे से कर दिया है तो ही जाके पीपीओ मिलता है ना। तो बेसिकली काम करो और उसको अच्छे से करो। तो बेसिकली नेक्स्ट एक महीना मैंने वीकेंड पे भी जाके काम करा, पार्टीज वगैरह में नहीं गए, सो मतलब शुरू के 15 दिन तो बिल्कुल नहीं गया। एंड ऑनेस्टली 1-2 दिन तो हम रात को भी मैं ऑफिस में ही रुका था कि यार बहुत सारा काम है और निपटाना है। तो बेसिकली Amazon एज अ प्लेस वेर यू कैन स्टे एट नाइट, सो सकते हो वहां पर, सो बहुत सी रूम होता है वो भी और अच्छे से केयर रखा जाता है। तो ओवरऑल मतलब रात रात को रुक के अगले 15 दिन तो बहुत ज्यादा मेहनत करके वो सेकंड प्रोजेक्ट निपटा लिया था। और फिर एक मैनेजर से मैंने ही 1-to-1 बुक करी कि यार मेरे को थोड़ा सा रिव्यू बता दो कि इस बारी कैसा काम रहा। तो मैनेजर ने बोला इस बारी बहुत बेटर इंप्रूवमेंट है ना, तूने कोड बहुत अच्छे से करा है, सोच समझ के करा है एंड थिंग्स टेक टाइम। बस वो यही बोला था यार तू मेहनत ज्यादा कर रहा है, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए है ना, कि तू रात को भी रुक रहा है ये रुक रहा है, सो उतना मत कर, एक डिसेंट लेवल तक काम कर और मेक श्योर कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा हो, ठीक है। तो आई हैव टेकन दैट फीडबैक और हर चीज का ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लो, जो वो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो, बहसबाजी से कुछ नहीं होना है ना, तो ध्यान से सुनो, वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि सुनता तो है आदमी और उसमें इंप्रूव करता है, राइट। सो अब बेसिकली क्या होता है Amazon में, एक खाने पीने का तो सिस्टम वही है, लंच मतलब ब्रेकफास्ट हम लोगों को वही जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ थोड़ा सा मिल जाता था, थोड़ा सा खराब था बट ठीक है जैसे तैसे चलता था। लंच हम ऑफिस में कर लेते थे और डिनर भी ऑफिस में करके निकल जाते थे, और कभी कभी बेसिकली वीकेंड पे हमारे होटल के पास ही एक ढाबा था पास में, वो बहुत अच्छा खाना वाना बनाता था, तो बेसिकली फ्रेश रोटी वगैरह वगैरह खा लेते थे, तो ऐसे खाना पीने का तो थोड़ा मैनेज हो गया था। इसके अलावा ऑफिस में इंटरेस्टिंग चीजें थी, तो फर्स्ट महीना जो मैंने थोड़ा चिल मारा था उसमें हम फीफा वगैरह भी खेलते थे ऑफिस में, टेबल टेनिस भी बहुत ज्यादा खेलते थे तो बहुत ज्यादा चलता। सेकंड वाले में फीफा वगैरह तो बंद हो गया था, जैसे मैंने कहा बहुत सारा काम करता था, बट जैसे ऑफिस में रुके हुए हैं रात को तो हम बेसिकली टेबल टेनिस खेलते थे, मेरे मतलब 2-3 दोस्त भी थे जो कॉलेज के रुकते थे तो हम लोग टेबल टेनिस खेलते, तो ये बहुत अमेजिंग चीज होती है कि तुम रात को भी रुक के काम कर सकते हो है ना, बेसिकली रात को ऐसा नहीं कुछ बंद हो जाएगा, सो टेबल टेनिस खेलना है टेबल टेनिस खेलो, जब तुम्हें काम करना है तब तुम काम करो। सो ये बहुत अमेजिंग चीज लगती है मुझे Amazon की कि यार ये फर्क नहीं पड़ता कि 9-to-5 की जॉब है ना, इट्स ओनली मैटर्स इज कि यार तुम्हें जो काम असाइन करा गया है वो तुम टाइमली कर देते हो, वो मैटर करता है, इट डजंट मैटर कि तुम 9-to-5 में कर रहे हो 9-to-7 में कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। 15 दिन का टास्क है, 15 दिन में निपटा लेना, ठीक है।
इसके अलावा अमेज़न ने एक आध कल्चर, मतलब इन जनरली काफी ऑफिस में होता है कि एक स्क्रम मीटिंग होती है, तो उसमें लाइक जब बेसिकली मैं क्या करता था, जैसे ऑफिस तो मैं 9 बजे ही पहुंच जाता था, दैट वॉज माई शेड्यूल, बिकॉज मेरे लिए सुबह मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्टिव होता था, तो सुबह 9 बजे पहुंच के थोड़ा दिमाग लगा लिया कि आज मुझे क्या क्या करना है, और 11 बजे स्क्रम मीटिंग होती थी, उसमें बताना होता था कि तुमने कल क्या करा और तुम आज क्या करोगे, तो दैट इज समथिंग जो जिससे मैनेजर अपडेटेड रहता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स देखता है, बिकॉज पूरी टीम आपस में बात करती है कि तुम कितना कम्युनिकेट कर रहे हो, अपना काम जो कर रहे हो बता भी पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मेरी स्क्रम मीटिंग से कोई इशू नहीं था, आई वॉज लाइक आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट टू देम, ऐसा नहीं है इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, मैं हिंदी में भी कर लेता था, तो बेसिकली दैट इज नॉट अ फाइटर थिंग, बट जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से बता भी पाओ, ठीक है, तो ये स्क्रम मीटिंग्स वगैरह थी, ऐसे पूरा रहता था। अब आ जाते हैं लास्ट 15 डेज में, कि मैंने लास्ट 15 डेज में क्या करा, सो लास्ट 15 डेज में अगेन वो एक प्रोजेक्ट बचा था, उसको मैंने अच्छे से काम करा, उसको बहुत अच्छे से काम करा, जो बिकॉज मेरी लर्निंग हो गई थी, मुझे पता लग गया था कैसे अच्छा कोड लिखते हैं, सो काम वाइज कुछ नहीं था इशू, वीकेंड्स दो वीकेंड्स थे, अब दो वीकेंड बचे थे लास्ट 2 मंथ्स के, तो बेसिकली एक वीकेंड पे तो वो लोग हमें वाटर पार्क लेके गए थे, सो पूरी टीम वाटर पार्क गई थी एंड बड़ा बहुत सारा फन करा था अमेज़न की टीम, और लास्ट वीकेंड पे बिकॉज सारे इंटर्न्स जा रहे थे, तो बेसिकली दे ऑर्गेनाइज अ पार्टी, जिसके अंदर बेसिकली क्योंकि इंटर्न्स जा रहे हैं तो बेसिकली एक जाने के टाइम एक फेयरवेल होता है, सो दैट वाज अ थिंग, और ये बहुत अमेजिंग चीज होती है कि पूरा ध्यान रखा जाता है तुम्हें, सो मैनेजर तुमसे बार बार पूछेगा परेशान तो नहीं हो ना, जगह मिल गई ना जहाँ रहना था, खाने पीने का कैसे कर रहे हो, सो ओवरऑल वर्क तो देखता ही है बट ओवरऑल तुम्हारे पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा ध्यान रखता है कि यार परेशान तो नहीं हो ना, सो दैट वाज अमेजिंग थिंग, एंड ओवरऑल आफ्टर द लाइक खत्म होने के बाद एक मेंटर के साथ मीटिंग होती है, पर्सनल मीटिंग, जिसमें वो बताता है कि पूरा 2 महीने का काम कैसा रहा, उसका फीडबैक मिलता है, वो अपने बारे में पूछते हैं कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि यार हमें इम्प्रूव करना है, वो भी अपने साइड पे पूछते हैं कि उनको तो क्योंकि बाद में और लोगों को भी मेंटर करना है, तो बेसिकली वो पूछते हैं कि मेरी साइड में क्या कमी है ना, ऐसी मैनेजर पूछता है, मैनेजर मेरे बारे में बताता है कि ओवरऑल कैसा रहा, और मैनेजर फिर अपने बारे में पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं और बेटर फीडबैक कैसे दे सकता था, या मैं और कुछ चीजें बेटर कर सकता था, तो ओवरऑल काफी टीम बॉन्डिंग टाइप है, वैसे वाला कल्चर है, सो दैट वाज अमेजिंग, एंड एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप तो दे सेड कि हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद प्री प्लेसमेंट ऑफर का बताएंगे, बट ओवरऑल दे सेड कि यार काम वाइज तो कोई इशू नहीं है, बट कुछ और चीजें होंगी तो हम बता देंगे, ठीक है, सो दिस इज हाउ माई इंटर्नशिप वेंट, आई थिंक द अमेजिंग थिंग इज कि क्या यूज हुआ ऊप्स कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज है, डेटा स्ट्रक्चर्स तो चाहिए ही, हैश मैप के अच्छे से नॉलेज चाहिए, है ना, ओवरऑल ये चीजें बहुत ज्यादा यूज हुई, ओवरऑल इन द टर्म्स की गूगल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब तुम हर चीज के लिए छोटी छोटी चीज के लिए मेंटर पे नहीं जा सकते, तो वो एक अमेजिंग थिंग थी कि अमेजोन का एक खुद का एक स्टैक ओवरफ्लो बना होता है, तो वहां पर तुम्हें गूगल कर करके चीजें एरर्स मिल जाते हैं, तो वो चीज उससे तुम्हारा पूरा एक प्रोडक्टिविटी हाई रहती है, सो ये चीजें बहुत ज्यादा यूज हुई, इन चीजों की वजह से मेरी इंटर्नशिप अच्छी गई, ओवरऑल कल्चर बहुत अमेजिंग था, कभी भी तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि यार गड़बड़ हो रही है ना, तुम्हें मैनेजर बात करेगा 1-to-1, मेंटर बात करेगा 1-to-1, सो ओवरऑल तुम्हारी वो फीलिंग बहुत सही रहती है, एंड ओवरऑल बेसिकली एज एन इंटर्नशिप तुम पूरा एंजॉय करा कि यार फर्स्ट मंथ काफी चिल मारा, सेकेंड मंथ थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा बिकॉज पीपीओ निकालना है, ठीक है, सो दिस वाज माई ओवरऑल अमेज़न इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आई थिंक दीज थिंग्स हेल्प मी इन ग्रैबिंग द पीपीओ एज वेल, एंड ओवरऑल तुम्हारे को कुछ और भी जानना हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड डेफिनेटली लाइक एंड शेयर तो कर ही देना, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, और ऐसी वीडियोस हम डालते रहते हैं, सो कुछ और वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी तुम कमेंट्स में हमें बता सकते हो, ओके चलो थैंक यू।